Thank you, 28. क्वेटा में पहली प्रॉपर मील खाने हम आए हैं शकरगंज बाजार। यहाँ पर मिशन रोड के साथ ही आपको नजर आएगा शाह वली होटल। सो 1981 में बने शाह वली होटल में आपको काबरी पुलाव तो मिलेगा, उसके साथ टिक्का भी है, कबाब भी है इनके पास, अफगानी कबाब है बाय द वे, ये जो अफगानी बोटी होती है ना, फिर नमकीन बोटी भी है और रोस्ट भी है, स्पेशल चाय जो इस वक्त हम ऑलरेडी पी रहे हैं। कितनी सीखे होंगी ये? 800 सीखे होंगी। 120 किलो 130 किलो सिर्फ बोटी की बात हो रही है, ये खतरनाक। और इसमें मसाला क्या लगता है? लहसुन होता है, प्याज होता है, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और नमक, और बाकी काम करता है गोश्त और उसकी जो चक्की है उसके अंदर। भाई वाह, इसकी चक्की का जो मजा है ना, वाह 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 वाह। सो दो बोटियां नीचे चक्की और एक बोटी आगे। एक प्लेट में कितनी सीखे होती हैं? 8 सीखे। ओए ओए, मेरा नाम अब्दुल शकूर है, मैं शावली रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। ये वाली साहब बनाई थी इसको 1981 में, तो अभी वो ज़ईफ़ हो चुके हैं, तो इसको अभी हम मज़ीद आगे ले जा रहे हैं। हमें यहाँ पे कोई 40-42 साल हुए शावली रेस्टोरेंट के बने हैं। तो यहाँ पे जो शावली रेस्टोरेंट का मेन चीज़ है वो अफगानी ट्रेडिशनल खुराक है, जो इसमें काबली पुलाव है, टिक्का कबाब है और मटन रोश है। पूरे शहर में जो हमारे मद मुकाबले है वो कोई नहीं है इन चीज़ों में, क्योंकि हमारे जो एक तरह से एक अपना ट्रेडिशनल खुराक भी है, लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं, तो लोग लुत्फ लेते हैं इससे। जो मेन चीज़ है वो आप क्या यूज़ करें उसमें ना, हम लोग खुद अपना एक तरह से जो गोश्त लाते हैं वो हम लोग जाके वहाँ पे उसको जो बकरा हो या दुम्बा हो उसको खुद लेके अपने सामने ज़िबा करवा के उसको जो है ना कटिंग करा के फिर उसको बनाते हैं। जो टेस्ट का जो मेंटेनेंस है वो हमने 40 साल में बरकरार रखी हुई है, जिसकी वजह से जो माशाल्लाह से काम और भी आगे जा रहे हैं। मटन रोस्ट तो है, काबली पुलाव भी है, उसके साथ अफगानी बोटी भी आपकी बड़ी मशहूर है। जी जी, अफगानी बोटी बहुत मशहूर है। रेसिपी उसमें सिंपल सा ही है, लेकिन उस पर जो मैं फिर वही बात आ जाता है कि जो चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी पे है। जो असल इसका जो मेन चीज़ है वो गोश्त का जो है ना सिलेक्शन है। एक डेगची में तकरीबन 60-65 किलो गोश्त आ जाता है एक डेगची में। अच्छा जी जी। और एक वक्त में कितना चावल बनता है? एक वक्त में 65 किलो चावल बनता है। 65 किलो जी। और दिन में एक दफ़ा बनता है, दो दफ़ा? नहीं नहीं, दोपहर का शिफ्ट अलग है, रात का अलग है। शावली रेस्टोरेंट का जो मेन चीज़ यही है कि लोग 10 बजे के बाद रात को आते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे खाना नहीं है। तो हम लोग अक्सर खुद बाहर से खाना खाते हैं, जो ये हमारी स्पेशलिटी है, क्योंकि हम लोग अपने फुल गेज में जा रहे हैं, इससे ज़्यादा हमें और हम पका भी नहीं सकते और सर्व भी नहीं कर सकते। और इसकी खूबी है कि लोग जो है ना वो हम लोग बाकी चीज़ देते नहीं है, आज का चीज़ आज ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा, तो दिन में 65 किलो और शाम में 65, 130 किलो चावल रोजाना बिकता है? 130 किलो चावल माशाल्लाह। और 100 किलो गोश्त? नहीं, ये तो रात का अलग गोश्त बनता है, दोपहर का अलग बनता है। तो गोश्त कितना किलो हो गया? गोश्त तकरीबन चावल के साथ मिला के 400-450 गोश्त रोजाना निकलता है, 10-11 मंथ करीब। वर्कर्स हमारे पास कोई 40-45 वर्कर्स होंगे। तो ये काबली पुलाव के चावल हैं जिनको फिलहाल दम पे रखा जा रहा है। ये प्लेटें क्यों रखते हैं दोस्त? दम पे लगाना है, तो पूरा ढक के नहीं दम पे लगता? ये थोड़ा थोड़ा उसको निकालते हैं धुआं। अच्छा, ढकना फिक्स नहीं आता। ये हमारे वालिद साहब की ख्वाहिश थी ना, बताए आपने जो है ना खाना अच्छा देना है, बाकी सेटअप पे हम लोगों ने ज़्यादा जोर नहीं दी, तो इसी वजह से, लेकिन लोग खाने के लिए आते हैं।
अगर आप अच्छा खुराक अच्छा चीज़ देंगे तो लोग आप अगर पहाड़ में भी आप अगर जगह बना लोग वहाँ पे भी आ जाएंगे। नहीं, मुझे तो आपका सेटअप ज़्यादा अच्छा लगा है, ज़्यादा एक घर वाला एस्पेक्ट है इसके अंदर। जी जी, लोग ज़्यादातर इसी सेटअप को भी पसंद करते हैं क्योंकि ये एक तरह से ट्रेडिशनल भी है, लोग ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, इससे लुत्फ़ होते हैं, तो ज़्यादातर लोग इसी को ही पसंद करते हैं। ये आइडिया दरअसल मेरा अपना ही था, तो पहले हम लोग इसको टाइल लगाते थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने खुद से इसको एक बनाया, लेकिन ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ, ये सफाई के लिहाज से भी अच्छा है और ये एक तरह से ये मेरा अपना इंजीनियरिंग था। अच्छा जी, जी। तो खुद आपने इंजीनियरिंग की भी है? जी जी, ज़बरदस्त। लस्सी भी आपकी जरा डिफरेंट है? लस्सी कुछ इस तरह से है कि हम लोगों ने जगह पकड़ी हुई है, 4-5 हम लोगों ने गाय रखे हुए हैं। अच्छा, तो उनके लिए अलग बंदे हमने रखे हुए हैं, तो वो ये है कि प्योर चीज़ है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। इंशाल्लाह शावली रेस्टोरेंट में आपको किसी भी चीज़ में मिलावट नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह जब ही कामयाब है। जी जी, ये आपका मटन रोस्ट तैयार हो गया है जी, बड़े बड़े मटन के पीसेस हैं और नीचे एक प्याज की तह थी इसमें, है ना, प्याज था ना नीचे? जी बिल्कुल। वाह वाह वाह, और ये ऐसा पक गया है कि ये मुंह में एकदम घुल जाएगा। ब्यूटीफुल। आलू बुखारा डला हुआ है। अच्छा, तो शुरू में आपने गोश्त के साथ प्याज नीचे बिछाया, आलू बुखारा डाला साथ, और नमक काली मिर्च है या सिर्फ नमक है? तो ये सारी प्याज नीचे से निकाली जा रही है और यखनी को छाना जा रहा है। यखनी बड़ी काम की है, मटन रोस्ट के साथ सर्व की जाएगी। ओ, तेल डल गया है और जो यखनी इससे पहले उन्होंने निकाली थी वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर डलती रहेगी, उसका जायका बनता रहेगा, डेवलप होता रहेगा। लेकिन यखनी भी देखें आप कितनी गाढ़ी और ज़बरदस्त है क्योंकि बहुत देर तक पकी है। ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल। क्या ये हमारे लिए? नहीं यार, ओ भैया जी, ये तो ऐसे उठाने में टूट रहा है। भाई असलान भाई, आप ज़रा खा के बताएं सबको कैसा है। ओए ओए भाई, ऐसे टूट रहा है तो बेहतरीन है ना, लजीज। आप तो क्वेटा में रहते हैं तो आपने तो हर जगह खाया होगा, लेकिन ऐसा मैंने कहीं नहीं खाया। वाकई में इसका जवाब नहीं है। आप सेम रेसिपी से कहीं और जाके बना लें, ये जायका नहीं आएगा, सिर्फ इनके पास है ये जायका। ऐसी टूट रहा है गोश्त यार।